अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, और जहाँ पर भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर वाफे से रहें, खुश रहें। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएँ हैं। और आज का व्लॉग शुरू किया मैंने मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैं आज जो लंच में बनाने लगी हूँ आलू मेथी का सालन, तो उसके लिए मैं चीज़ें काट रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले धनिया काट लिया था और उसको मैंने धो लिया है। एक गड्डी मैंने धनिए की ली है और अब मैं मेथी को चॉप कर रही हूँ, और मेथी के लिए भी मैंने एक ही गड्डी ली है। नाश्ता हम सब ने कर लिया है, और आज नाश्ते का मैंने एक क्लिप इसलिए नहीं बनाया कि आज बहुत ही सिंपल सा ही नाश्ता था। एग बॉयल किया था मैंने, और उसके साथ ब्रेड टोस्ट की थी और चाय बनाई थी। तो ये मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट नाश्ता है, एग बॉयल और चाय के साथ ब्रेड को लेना, और साथ अगर उनका बहुत दिल करे तो रस वगैरह भी ले लेते हैं। तो बस नाश्ता सिंपल सा था आज। तो आज मैं बस जल्दी जल्दी अब ये मेथी काटूँगी, इसको धोऊँगी और आलू काटूँगी फिर। मेथी को अच्छे से कैसे क्लीन करते हैं, धनिए को कैसे क्लीन करते हैं, इसका मैंने पूरा कंप्लीट व्लॉग बनाया है, वो मेरे लाइफ इज साइमा के चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मज़ेदार सी आलू मेथी का सालन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, साथ ही मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो क्योंकि जब नाश्ता बहुत लाइट सा किया हो तो फिर लंच के लिए बच्चों को लंच टाइम पे ही भूख लग जाती है, लेकिन छुट्टियां बच्चे कुछ छोटा मोटा स्नैक भी ले लेते हैं अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए, लेकिन ये कि माशाल्लाह खाना टाइम पर तैयार है और मैं आप सबके लिए रोटी बनाऊंगी, और रोटी खाना जो खाना है वो सबको सर्व करूंगी। और आलू मेथी का जो सालन है ये इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि इसको मैं पहले भी अपने ब्लॉग चैनल पर भी शेयर कर चुकी हूँ, और मेरे कुकिंग चैनल पर भी, लाइफ विद साइमा के चैनल पर भी इसकी कम्प्लीट रेसिपी मौजूद है। धनिया मेथी को किस तरीके से अच्छे तरीके से धोकर काट कर कैसे फ्रीज़ करते हैं, इसकी कंप्लीट मैंने वीडियो अपने लाइफ विद साइमा के चैनल पर अपलोड की है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी वे है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। और साथ साथ ही जो है आलू मेथी के सालन की रेसिपी भी मेरे लाइफ विद साइमा के चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। सो आज है कनाडा डे, 1 जुलाई है, और कनाडा डे होता है 1 जुलाई को,
इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप है और बाहर अभी तक तो बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा जाने का। लास्ट ईयर भी मैं कनाडा डे पर इसीलिए गई थी कि आप सबके लिए वीडियो और व्लॉग बना सकूं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कनाडा डे कैसे मनाते हैं। सो लास्ट टाइम तो मैंने अपना व्लॉग बहुत अच्छे तरीके से अपलोड किया था और आप सब ने पसंद भी किया था। अगर आप वो भी देखना चाहें तो मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ आज, अगर मेरा मूड हो गया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि हर कोई जाता है, बहुत से लोग जाते हैं, कोई होंगे जो घर में रहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड पे डिपेंड करता है। अगर मेरा दिल किया तो हम लोग चले जाएंगे और मैं आपके साथ उसका व्लॉग शेयर करूँगी। सम टाइम ऐसे होता है बच्चे भी किसी बात पे ज़िद करें या कहीं जाना चाहें तो आपका भी मूड बन जाता है, लेकिन बच्चों ने भी बिल्कुल भी नहीं कहा, क्योंकि वो भी आज, क्योंकि सब छुट्टी है यहाँ पे, तो डैड भी उनके घर हैं, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है डैड के साथ ही टाइम स्पेंड करना। अगर मे भी वो रात के टाइम जब फायर वर्क हो उस टाइम पे कहें तो हम लोग उस वक्त उनको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और अच्छा लगता है। लेट्स सी कि क्या होता है, अगर हुआ कुछ अच्छा सा तो मैं आपका ज़रूर शेयर करूँगी। आज कनाडा डे की वजह से सारे शॉप्स बंद हैं, सारे मॉल बंद हैं, और कुछ खाने पीने की शॉप्स खुली हैं, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं खुली रहेंगी, बस 7 बजे तक या 6 बजे तक ही खुली रहेंगी, टाइम चेंज कर देते हैं वो। और यहाँ पे ये कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, एग ब्रेड वगैरह, तो उसके लिए हम इस एक देसी स्टोर पर जा रहे हैं। क्योंकि देसी स्टोर जो होते हैं वो काफ़ी देर तक खुले रहते हैं, उनको इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टिल ये है कि वो भी 7-8 बजे तक ही खुले रहेंगे। तो बस हमें एग ब्रेड ही चाहिए वो लेकर, तो बस फिर हम घर आ जाएंगे, और क्योंकि फिर सुबह नाश्ते के लिए चीज़ें होनी चाहिए घर में। और आपके लिए मैंने ये व्लॉग इसलिए क्लिप बनाया है कि ये ग्रीनरी देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। 15 से 20 मिनट लगे हैं ग्रोसरी करने में, क्योंकि चंद चीज़ें ही थी तो हम लोग भी साथ ही चले गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा हीट थी। मेरा यही सोच थी कि अगर मूड हुआ तो हम लोग किसी पार्क में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्क बिजी हैं आज कनाडा डे की वजह से, लेकिन बिल्कुल भी मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ, और क्योंकि बाहर बहुत हीट थी। खैर यहाँ पे हम लोग ले आए हैं, ब्रेड ली हैं 2, हमने अंडे लिए हैं, चेरी बहुत पसंद है आजकल, चेरीज बहुत आ गई हैं माशाल्लाह से, तो चेरीज ली हैं, चेरी का एक बैग ले लिया है, ग्रेप्स ली हैं थोड़े से, इसके अलावा लेमन चाहिए थे मुझे, लेमन अच्छे लगे हुए थे यहाँ पर, तो डॉलर के 6-7 थे शायद, तो वो ले लिए हमने। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी ली है, क्योंकि बच्चे मिल्कशेक पी लेते हैं आजकल, तो बस यही कुछ चीज़ें चाहिए थी हमें। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार से पकोड़े, चाय के टाइम है इस वक्त और चाय के साथ मैं बना रही हूँ पकोड़े, और पकोड़े जो है वो मैंने मिक्स वेजिटेबल के बनाए हैं, और बैंगन था मेरे पास, मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए हैं। बच्चे हों घर में और हबी भी घर में हों, तो फिर आपका दिल करता है कुछ ना कुछ आप अच्छा सा बना लें, और वो बनाएं जो कि बच्चों को और सबको, आपके हस्बैंड को भी पसंद हो। तो चाय का टाइम था और अब तो लंच किए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो मैं सोचा, बल्कि शाम की चाय, ये शाम से भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तो मैं सोचा कि मैं इस वक्त पकौड़े बना लेती हूँ। और अब जब हम के चाय और पकौड़े खा लेंगे तो फिर डिनर जो का हमारा स्किप हो जाएगा, क्योंकि जब पकोड़े बन जाते हैं तो फिर आपको पता है 1-2 पकोड़े तो नहीं खाए जाते हैं, ज़्यादा ही खाए जाते हैं। आप जितने भी डाइट कॉन्शियस हो, जितने भी आप केयर करते हो अपनी फूड का, लेकिन पकोड़े ऐसी चीज़ है, आपने रमज़ान में भी नोट किया कि हम लोग माशाल्लाह पकोड़े एवरीडे बनाते हैं कुछ भी हो जाए, तो ये मैंने तो रमज़ान के बाद शायद दूसरी दफ़ा ही ये बनाए हैं, तो बहुत दिल कर रहा था, सब चीज़ें भी अवेलेबल थी, धनिया भी फ्रेश था घर में, सब कुछ था, तो मैंने कहा चले मैं ये बना लेती हूँ, और साथ चाय बनाई सबके लिए हमने। बच्चों के लिए मैं हाफ कप बनाती हूँ, क्योंकि वो पूरा कप नहीं पीते, और माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पकौड़े मज़ेदार से रेडी हो गए हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है।
अब मैं आपसे शेयर करूँगी फायरवर्क के कुछ क्लिप हैं मेरे पास, और मैं आपको बताऊँ कि ये फायरवर्क पे मैं नहीं गई थी, ये क्लिप जो है मैंने अपनी फ्रेंड से ली हैं, वो गई थी, मैंने उनसे ली हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि कनाडा डे में कैसा फायरवर्क हुआ था। और ये फायरवर्क डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टाइल से होता है, बहुत से पार्क्स में, बहुत से मॉलों में होता है, और ये वहाँ का के क्लिप हैं जहाँ पर वो गई थी। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। मैं इसलिए नहीं गई कि मैं आपको सच बताऊं कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ, सारा दिन काम करने के बाद इतनी थकावट हो जाती है शाम के टाइम पे कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और जब मैंने पकोड़े बनाने के लिए खड़ी हुई थी काफ़ी शौक से, और थी एनर्जी थी काफ़ी मेरे में, लेकिन ये था कि वो बनाते बनाते मुझे थकावट होने लग पड़ी, और फिर शाम के टाइम पर बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि कहीं जाया जाए। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ, और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा था कि ये नहीं था कि मैंने फायरवर्क नहीं देखा, लेकिन आप सबका मुझे ख्याल था। सो मैंने अपनी फ्रेंड से कुछ क्लिप ली हैं, आई होप आपको पसंद आएंगे।